थोड़े थोड़े सुबह पैसे इकट्ठे करके सर ये मस्जिद बनाई थी। इसमें जो भी मैं खर्चा होता था इकट्ठे करते थे बनाते थे। अब तो मुश्किल है सर, इतना काम भी नहीं है, कहाँ से क्या आएगा। आकर के पाइप पड़ोसी हैं, पंडित जी है बराबर में, पंडित जी उन्होंने अपना समरसेबिल चलवाया और पाइप लगा, हमने सर यहाँ आग सब बुझाई। अभी इतनी भीड़ में क्या करें, हजारों हजारों की तादाद में अकेले क्या करें। पानी वानी मुझे मांगा, पानी वानी हमने दे समरसेबिल चला दिया अपना, वो तो हमारी मदद हो गई। कल पड़ोसियों ने कहा भैया यहीं रुको, कोई दिक्कत तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ हमारे और भी जानकार हैं यहाँ पे, सब ने हमें रोक लिया है, लेकिन हम भी कल जा रहे थे इसलिए नहीं जा पाए। फिर तो कल आप लोग यहाँ से निकल रहे थे और पड़ोसियों ने रोक लिया और उनके भरोसे पर रुके, तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपके पड़ोसियों ने जो है आपकी हिफाजत की और आप यहाँ अब रुके हुए हैं। बिल्कुल अच्छा जी सर। तो अब क्या मतलब आगे, अब सर क्या कर सकते हैं इसमें, तो प्रशासन कुछ करेगा, इसके कुछ कहेंगे किसी से, देखेंगे क्या हो सकता है, इसमें करवाना तो पड़ेगा ही है ठीक ठाक सारा कुछ, जितना भी नुकसान हुआ है। 100-150 आदमी आकर के मस्जिद में आग लगाई, मस्जिद में आग लगाने के बावजूद फिर उसको काम कर दिया, पत्थरबाजी भी करी ऊपर भी नीचे भी सब जगह। उनको कैसे पता चला कि ये मस्जिद, कुछ इंसान के साथ कुछ यहाँ के भी थे, क्योंकि नाम है कि क्या नाम है कि ये अकबर की दुकान है। इतने आदमी, हमें तो अपने बच्चों का खतरा कि हमारे बच्चों में ना आग लग जाए, हमारा सामान भरा पड़ा, दुकान है ये छोटी, तो इस दुकान में सामान में आग लग जाए तो हमारे ही बच्चे चले गए, हम अपने बच्चों को कहाँ से लाएंगे। हमें तो अपने बच्चों का खतरा हो गया, हमारे पे यही रास्ता निकलने का, इतनी पब्लिक के सामने बंदा क्या करेगा अकेला, कुछ नहीं, वही नहीं आया जिनकी मैजती। तो ये जो दिल्ली में हो रहा है, इससे पहले आपने कभी देखा ऐसा होते हुए? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं हुआ, यहाँ तो कोई बात ही नहीं ऐसी। ये सामने ये नीचे घर है, ये सामने सारे घर ही नीचे हैं, ये सारे मोमडन है बराबर में, इधर उधर सारे मोमडन है। हम तो यहाँ प्यार से बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये मोमडन भी प्यार से बैठे, बल्कि हमारा तो कहीं उनसे साथ साडू वाडू का रिश्ता है, क्योंकि जो है जिस गाँव में हम भी आए उसी में ये भी आए, तो वो साडू साडू का रिश्ता हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ऐसी। वो भी प्रेम से बैठते हैं, हम भी प्रेम से बैठते हैं, चार कुर्सियाँ यहाँ पड़ी रहती हैं, यहाँ तो लोग सारे दिन ही आके बैठते हैं। दुकान बंद थी, मंगल दिन था, लोग ऊपर घर में थे, इतने लोग थे ऊपर नीचे उतर नहीं पाए लोग, भाई मारते भी, दुकान तोड़ा आग लगा चले गए भग गए। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने इस बात के लिए वो ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं करा। कौन करेगा, 200-300 लोग, दो कोई पड़ोसी कौन कर सकता है, बाहर लोग 200-300 लोग आए हैं तो उनके कौन करेगा। ये तो लोग गुंडे आए हुए हैं, बाहर लोग हैं तो स्थानीय लोग क्या करेंगे, उनके हाथ में हथियार हैं, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे इसके अंदर। बाकी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन तो लिया नहीं जा रहा अभी, ये तो पुलिस की छूट है ना, ये पुलिस की छूट है, कोई एक्शन नहीं लिया जाने के खिलाफ। जब कपिल मिश्रा आई उसको भड़का रहा दंगा, जब भड़का रहा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, मोहनपुर में दंगा हो रहा है उसके कोई खिलाफ एक्शन नहीं है, तो भड़का रही पुलिस भी भड़का रही है, ये तो इनकी साजिश है जिन लोगों की दंगा कराने में।